शुरू हो गए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर दरहाल, आज हम सबके लिए ये खुशी का मुकाम है कि हम हमारी जो अथक मेहनतें और कोशिशें जो थी आखिरकार वो रंग लाई। आज हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी और जिसमें ब्लॉक दरहाल की दरहाल हैं और उसके बाद हमारी तहसील थन्ना मंडी जो हैं, इवन उसको छोड़ के पूरे आज हिंदुस्तान में 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज को लेके मूवी है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये टारगेट हम सब ने मिलजुल के अचीव किया है, ये खुशी का मुकाम है। मैं इस पे अपने उन हेल्थ वर्कर्स को, उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिन्होंने फील्ड में जाके डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन की है, उनको इस सारी कामयाबी का सहरा उनके सर जाता है और मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। जी हाँ, अब अभी तक तो फर्स्ट डोज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम सेकंड डोज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 50% हम कर चुके हैं सेकंड डोज भी। और मेरी अपील रहेगी आवाम से, अपने नौजवानों से कि वो सामने आएं और वॉलंटरली आके सेकंड डोज जो है वो अपने 18 प्लस की भी और कुछ जो 45 प्लस में बचे हुए लोग हैं वो भी आके अपनी सेकंड डोज लगवाएं। ये अपील है हमारी तरफ से। और उसके बाद आप 12 से लेके 17 साल की एज ग्रुप जो है उसका एक्शन प्लान जो हम तैयार करने जा रहे हैं और जल्दी ही जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कोई ऑर्डर वगैरह आएगा, हम उसके मुताबिक उस एज ग्रुप में वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे हमारी वैक्सीनेशन जो है बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इम्यूनिटी डेवलप होती जाएगी और ऐसे ऐसे हम इंशाल्लाह इस कोरोना को डिफीट करने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद रही बात, मैं एक बार फिर से अपने तमाम जितने भी थन्ना मंडी, तहसील थन्ना मंडी के लोग हैं, ब्लॉक दरहाल के लोग हैं, उनसे अपील करना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका खास ख्याल रखा जाए, मास्क पहनी जाए, ताकि हम सब मिलजुल के एक बार फिर इस कोरोना को डिफीट देके अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आएं।